सुप्रभात बच्चों, आज माँ सरस्वती को और गुरु को प्रणाम करके आज हम पाठ शुरू करेंगे। आज बच्चों क्या है, आज शिक्षक दिवस है यानी टीचर्स डे, और गुरु मंत्र बोलेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज शिक्षक दिवस के साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनका जन्मदिन भी है, और वो एक शिक्षक थे और शिक्षक दिवस के रूप में आज उनको जन्मदिन भी मनाया जाता है, और वो हमारे राष्ट्रपति भी हैं। आज हमारे बीच में ना होकर के भी वो हमारे बीच में हैं। बच्चे उन्हें शिक्षक के रूप में याद करते हैं। सन 1952 से 1962 तक उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। बड़े अच्छे स्वभाव के, सरल स्वभाव के, मधुर भाषी थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनको हम आज शत शत नमन करते हैं और जन्मदिन की उन्हें हार्दिक बधाइयां भी देते हैं। बच्चों आज मैं ये पढ़ने जा रही हूँ पाठ, जो मैं कल आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। इस पाठ का नाम क्या है बच्चों, बताइए क्या नाम है इस पाठ का? अक्षरों का महत्व, पाठ 6। पाठ 5 वसंत भाग 1, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। पाठ 5 जो कि अक्षरों का महत्व, दाई और बाई ओर का क्रमश, तूफान का देवता जो माँ सारे आकाश को घेरता, नंगाड़ा पंखों से सुशोभित नंगाड़ा द्रोण का कौवा, और दवाखाने में आदमी, इसी आदमी ने इसी धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों को औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे की भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, और पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र इन चित्रों संकेतों से किरणों की ओधक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप धूप का ओधक बन गया। इसी तरह अनेक संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू किए। मुश्किल से 6000 साल हुए, केवल 6000 साल। इसी प्रकार ये बच्चों, ये अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की भी शुरुआत हुई। इस पाठ को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर